ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ନାଦ ଏବଂ ହରର ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯାହାକି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଦେଉଡ଼ା ମନ୍ଦିରଠାରେ, ଏଠାରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାକି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରଟି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ବିଧିବିଧାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାଚଳ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସକାଳ 4:00 ଭକ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି କହିପାରିବା ଏଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବଲ୍ବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ସାର୍ ଆପଣ ଚାହେଁ ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ସେ ହୁଁ ମେରା ଆଗେ ଗାଁ ହେ ମାର୍କେଲ ଔର ୟା ଆମ ଲୋକ ନା ହର ସାଲ ସାବନ ମେ ଆତେ ହେଁ। आज सावन का जो पवित्र दिन पहला सोमवार है आज सोमवार। और यहाँ ना हम लोग आप कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ मैं 35 साल से। और कितना विश्वास करते हैं भगवान को? विश्वास ये झाड़ेश्वर धाम है, यहाँ हर किसी का मनोकामना पूर्ण होना ही है। ये मतलब विश्वास मतलब एकदम अटूट विश्वास है। आम पाखे आउ कि भक्त अच्छा तक प्रतिज्ञा ना। मैं जगदलपुर से आता हूँ भैया, मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत श्रद्धा होता है। आने से क्या है, जो मन्नत मांगने से पूरा भी होता है, इसलिए हम लोग आते हैं और आस्था और श्रद्धा का भक्ति रखते हैं। इसीलिए विश्वास है महादेव में, हम लोग इतना दूर से आए हैं और सब अपना रिश्तेदार लोग को भी बताते हैं, उनको भी लेके आते हैं। और लास्ट टाइम आपका कौन सा मनोकामना पूर्ण हुआ था? हमारा क्या है, जो अपना काम धंधा करते उसमें खुश रहते, इसीलिए हम लोग अपना आते हैं, महादेव से इतनी मांगते हैं, अपना खुश रहे, कमाए खाए बस। और मैडम आप कहाँ से आए? जगदलपुर। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कितने साल से आ रहे हैं? 10 साल हो गया। और कैसा क्या अनुभव है यहाँ? यहाँ बढ़िया अनुभव है, ईश्वर आते हैं, महादेव के शक्ति से आते हैं हम लोग यहाँ से। और जंगल के अंदर एक है, एक परिवार अलग रहता है, भक्ति भावना इसी द्वारे आते हैं। चौकावाड़ा में जो NNBC टाउनशिप है। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। कितने साल से आ रहे हैं और क्या अनुभव है आपका यहाँ? पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं। आपका घर कहाँ से है? हम लोग हैं जबलपुर से, MP के रहने वाले हैं। आज पहला सोमवार है सावन का, तो दर्शन करने आए हैं। मनोकामना कभी पूर्ण हुआ है? मनोकामना पूर्ण। हम लोग जबलपुर से आए हैं। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कितने साल से आ रहे हैं? मैं पहली बार आ रही हूँ। और भगवान के कितना विश्वास करते हैं? बहुत लग रहा है देखने के लिए, ईश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत बड़े लाइन लगा हो चुका हुआ है। बहुत दूर दूर से करने के लिए या दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के श्री शिव सावन के लिए आए हुए दर्शन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन के लिए इतना लंबा लाइन लगा है, यहाँ विश्वास है, इसलिए सब जगह से आते हैं। और इतना लंबा लाइन लग रहा है, लंबे लाइन में कैसा अनुभव है? बहुत शांति लग रहा है। ଆମେ ଯାହାକି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଅଛୁ ଆଉ ଦେଉଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁକି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ଆଳୁ ଖୋଳୁଖୋଳୁ ମହାଦେବ, ଏଠାରେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପୂଜାରେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଆଳୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବା ସମୟରେ ମହାଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ରହିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆର ଇତିହାସ ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟପାଡ଼ରୁ ବିରଞ୍ଜ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।